कर रहे हैं ना ये सब भाई बहुत गलत है, बहुत गलत है, क्योंकि एक एक फॉलोवर एक एक सब्सक्राइबर भाई बहुत मुश्किल से कमाया जाता है, और 12 साल पुराना अकाउंट था भाई। गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर चैनल ओवन व्लॉग्स। तो भाई कैसे हो सब, बढ़िया हो भाई? सुबह सोच रहे हो मैं कहाँ जा रहा हूँ, रेडी हो गया ना, इतना रेडी शेडी होगा कहाँ जा रहा हूँ। तो भाई एक बार जरा गाड़ी में बैठ ले रहे हैं, फिर भाई डिटेल में बात करेंगे आपसे, क्योंकि एक बहुत चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ बतानी है आप लोगों को। एक मिनट दो भाई, वैसे एक मिनट जरा सामान फोन काट लिया भाई अपनी जेब में, तो फोन फान भी तो खड़े हो रहे हैं भाई, ज़रूरी भी है भाई रखने, क्या करें फोन तो काम में चलता ना अपना। गर्मी कल तो बारिश होती थी, तकड़ा मौसम था, आज फिर गर्मी हो गई, धूप निकल गई भाई गाड़ी, देखो कैसा हो रहा है मौसम यहाँ पर, सुबह सुबह धूप निकल गई। तो भाई अभी जो है भाई चल रहे हैं जरा कोट, छत बज रही है भाई, कल चढ़ गए थे ना छत के ऊपर, सारे भाई चढ़ गए थे भाई गाड़ी के ऊपर, तो भाई भी जरा कोर्ट चल रहे हैं, क्योंकि जो डॉक्यूमेंटेशन वाला काम था अपना वो थोड़ा पेंडिंग रह गया था, जैसे आप लोगों को पता है लास्ट वाले लोगों में भी देखा होगा आपने, तो मतलब कंप्लीट हो गया था सारा, सारे काम कंप्लीट हो गए थे, बस एक लास्ट प्रोसेस रह गया है, तो मैं और मम्मी को ही जाना है बस, पापा का काम सारा पूरा हो गया, तो मम्मी आ रही है अभी, रेडी हो गए भाई सारे, और मम्मी भी रेडी हो चुकी है, और फटाफट से भाई निकले हैं, क्योंकि जो अपने एडवोकेट साहब है भाई उनका फ़ोन आ गया कि भाई फटाफट से आ जाओ, लेट हो गया, 10 बजे तक पहुँचना था, टाइम हो रहा है सवा दस हो रहे हैं, मम्मी भी आ गई भाई पीछे, दिख रही है नहीं दिख रही, आ गई भाई, ये थी मम्मी, चला भाई फटाफट से अपना काम को निपटा हुआ, गंदी हो रही है बहुत ज़्यादा गाड़ी, एक तो भाई बारिश के चक्कर में ना भाई गेट ऐसे चिपक जाए गाड़ी के, हमारे मोटे से खुलता भी ना भाई गेट, इतना जोर लगाना पड़ा भाई मम्मी ने, क्या लेके आया सुपर में, क्या लेके आया सुपर में, पराठा भाई, पराठा लिया है भाई, जल्दबाजी में निकलना पड़ गया, क्योंकि 10 बजे तक पहुँचना था हमें, और अभी हो रहा टाइम मतलब 10:20 हो गए अब तो निकलते, तो चला भाई फटाफट से कोर्ट में अपना काम को निपटा लेना, आज फाइनल है मतलब एक तरह से देखा जाए तो, पापा काम तो पूरा हो गया, बस मम्मी को मेरे को जाना आज, तो फाइनल प्रोसेस ही है ना, आज सारे काम कंप्लीट हो जाएंगे अपने, उसके बाद भाई ट्रिप पे निकले हैं फिर कहीं बढ़िया। सो गाइज फाइनली गाड़ी लगा दिया भाई पार्किंग में, और कोर्ट पहुंच गया भाई, कोर्ट है इस साइड मेरा, और मम्मी को मैंने गेट पर ड्रॉप कर दिया था कि आप चलो मैं गाड़ी लगा के आ रहा हूँ भाई, क्योंकि यहाँ पे भाई कीचड़ वीचड़ हो रखी है ज़्यादा, और पार्किंग का एंट्री गेट जो होता है एग्जिट वहीं से होता है, पर मैं तो वहाँ से कूद के चला जाऊँगा भाई, अपना तो ही सही है। लोगों के ऊपर इतने मुकदमे चल रहे हैं, इतनी फुल हो रखी है पार्किंग यहाँ भी और 3-4 लाइन बनी पड़ी है भाई पार्किंग की, बीच में रास्ता छोड़ रखा है बस ये गाड़ियों के आने जाने के लिए, मतलब जो एडवोकेट वगैरह होते हैं जज वगैरह होते हैं उनकी पार्किंग तो अंदर ही होती है, ये सिर्फ वो बंदे हैं जो यहाँ पे अटेंड करने के लिए आते हैं डेट वगैरह, उनकी इतनी भीड़ हो रखी है। कोर्ट से आ गए हैं, फ्री हो गया, और मम्मी वेट कर रही है भाई पार्किंग से निकाल रहा है गाड़ी, और ये रहा भाई कोर्ट का गेट, ये बैक साइड का है भाई, गेट नंबर 2 है, ये गेट नंबर 4 है भाई ये, तो और मेन गेट तो भाई बैक साइड में है, और मम्मी खड़ी है आगे, वहाँ कैमरे लग रहे हैं, जहाँ जिप्सी खड़ी हुई है भाई, वहाँ खड़ी है मम्मी, सारे वकील खड़े हैं देखो, और गेट इतनी 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 चीज पाई है इंग्लैंड में 400 रुपए बन गए सब्जी के, 10 रुपए आए वहाँ पे 400 भाई हिसाब दे रहे हो मम्मी मेरे को आवे पैसों का, तो हिसाब तो देना पड़े ना, टाइम की बात है जब के आया करता क्या भाव थी, अब तो मतलब अभी हम रोड पे चल रहे थे ना भाई, ये द्वारका की जो रोड है जिस टाइम पे मेरी उम्र होगी 2-3 साल है ना, तो वो बातें चल रही थी कि उस टाइम पे यहाँ पे कुछ भी नहीं था, रोड भी नहीं बने थे, खेत थे, मतलब रोड वोड कटने शुरू हुए होंगे उस टाइम पे, तो वो बातें चल रही थी, फिर मम्मी कह रही कल मैंने सब्जी ली कितने की, 10 कम 100 2-4 मतलब घर की एक हफ्ते की सब्जी आई है भाई 500 रुपए में से 10 रुपए बच के आए मम्मी को, मम्मी कह रही थी महंगाई होगी, इतना जमाना बदल गया मम्मी, सारी चीजें बदल जाती है टाइम के हिसाब से, फिर उस टाइम सैलरी भी कम होया करती है, सैलरी कितनी है लोगों की ये बताओ, अरे फिर भी पूरा भी तो नहीं होता, कितनी सैलरी बढ़ जाए उतनी महंगाई बढ़ जाए, ऐसा कुछ नहीं है, वो तो हो रहा है ऐसा कुछ के लोगों के शौक बड़े हो गए, बस ये बात है, पहले के लोग शौक नहीं करा करते, अब शौक करते हैं, अरे खाने की चीज पहले ना 50 पैसे मीटर कपड़ा मिल जाया करता, 5 रुपए का सूट बनवा रखा, अब वो टाइम कुछ और था यार, कैसी बातें कर रहे हो, अब तो 3,000 का भी सूट कुछ ना है, तो वो टाइम की बात है मम्मी, वो सन 2000 की बात कर रहे हो आप, ठीक है आज चल रहा है 2023 की थोड़ी है, समय की बात होती है, टाइम की बातें हो तो 65-66 की 64 बताओ भाई कितने पुरानी बातें चल रही है भाई, 100 साल होने वाले उनको, 100 साल पूरे होने वाले हैं जब की बातें चल रही है, 75 साल हो गए देश को जाते हुए, पता है आपको कितनी पुरानी बातें कर रहे हो आप, छोटो भाई ये चीजें चलती रहती है भाई, तो भाई अभी जो है कोर्ट वोट का काम निपट लिया अपना, चला करके आना
रोटी रोटी खावा भाई, जब तो कम तनख्वाह में भी अच्छी रोटी खा करते, अब तो ज्यादा तनख्वाह में भी अच्छी ना खा सकते। बाकी एक बात, इन बड़ों के साथ बैठ के ना ज्ञान मिलता है, वो तो पहले की बातें सुनने पर बोर भी कर देते कई बार, जैसे अब हो रहा हूँ गाड़ी चलाते चलाते। फ्रूट लेने आम ले लो, मम्मी यहाँ से लिए थे मैंने उस दिन, सही थे और वो बेकार थे भाई। बाहर आए और मम्मी को सामान ना ले ऐसा हो नहीं सकता, इनको बस बांधना चाहिए बस। ये देखो फ्रूट लेने के लिए रुक गए यहाँ पे, अरे भैया जानते हो ना, भैया वही भैया है भाई ये, जब लास्ट टाइम जिनसे आम लिए थे हमने। तो भाई यहाँ पे ना वैरायटी बहुत सारी है, इसको क्या बोलते हैं, सफेदा इसको कसेरी, और इसको केसर। फर्क क्या है, सारे तो एक जैसे, और ये वाले कौन से है, ये वाले लंगड़ा, बड़े अजीब अजीब से नाम है, फर्क क्या, सारे तो एक जैसे ही है, अपने अपने क्वालिटी है, क्वालिटी का क्या फर्क, फर्क क्या है, खाने में तो सेम ही लगते हैं सारे। नहीं। फिर नहीं तो पता नहीं तुझे क्या, खाने में लीची भी ले लेना मम्मी, खाने में फर्क क्यों नहीं, फर्क है भाई इनको ही पता, मेरे तो समझ में आता नहीं, ज्यादा ज्यादा मत देना, ज्यादा मतलब खराब हो जाए, फिर खाता है नहीं कोई। क्या हो गया, क्या हो गया, ओके तो आगे, अच्छा ये बालक देख कैसे भाग रहे गाड़ी के आगे से, कहाँ से आए हो आप, कहाँ से आती, कहाँ से आती, घर से आती, घर को आ जाती, आज शाम को निकलती। सो गाइस पहुंच तो गए भाई घर, यो खड़ी भाई मारी बाइक, यो मेरी बाइक मारी की, मतलब चाचा की, मतलब मेरी चाचा की बात तो एक ही है ना भाई, गाय खा रही है तरबूज, ये बात भाई गाड़ी लगा दे भाई, इतने दिन से हॉर्न चल नहीं रहा था गाड़ी का, दिन से गाड़ी का हॉर्न चल नहीं रहा था भाई, कल इसमें पानी लग गया दोबारा, जैसे बारिश हुई थी ना वहाँ पे, जैसे ऑफिस से आ रहे थे वहाँ से, मतलब शूट वूट करके कंप्लीट आ रहे थे अपना वहाँ से, भाई दोबारा पानी लगा और देखो हॉर्न चलने लग गया, मतलब पानी लगने के बाद हॉर्न बंद हो जाता है, पर इस गाड़ी में उल्टा सिस्टम है कि भाई इसमें अपना हॉर्न चलने लग जाती है, देखो सिस्टम क्या सिस्टम भाई गाड़ी का। सो गाइस अभी जो है, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि कोर्ट जाना पड़ेगा मेरे को वापस, टाइम हो गया भाई 2:15 हो गए भाई, एक लास्ट काम है बस आज जो हो जाएगा, फाइनली हो जाएगा सब कुछ आज, और चाचा और मैं जा रहे हैं, मम्मी चाचा फ्री हुए थे जल्दी आज, तो मम्मी को हमने छोड़ दिया था भाई कुछ काम से, मम्मी काम करने के लिए चली गई और चाचा और मैं जा रहे हैं कोटे मगा, मैं अकेला जा रहा हूँ, चाचा कह रहे चल मैं भी चल रहा हूँ, घूम फिर आएंगे कुछ खा पी आएंगे, तो भाई चाचा और मैं आ गए, अभी चल रहे हैं जरा कोट, भाई वेदर हो गया एक नंबर का, बाहर देख रहे हो क्याड़ा सिस्टम है, अच्छा ऐसा वेदर ही सही है, और हो सका तो शायद गाइस कल वाला व्लॉग शायद आपको बता दूँ देखो अगर लगता 50-50 है, 50-50 है, 50-50 है, अभी कंफर्म नहीं कर सकते, 50-50 है, कल ट्रिप पे निकल जाएंगे हम, कल वाला व्लॉग जो है भाई क्यों रन मार रहा है पीछे से यार, चला जा तेरे को जाना है तो लेफ्ट से जा भाई, ले जा 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 भाई, गाना तका जा चला भाई जा, फिर रन मार रहा भाई देखो इसने, जा भाई मैसेज जा जा, अजीब बंदा यार, हां खामा दे दी और हम साइड भी दे दो भाई देख लो, और फिर इन तक कुछ कह दो ना भाई, फिर लड़ाई करने स्टार्ट खड़े हो जाते हैं, लड़ाई तो क्या करेंगे खैर, मतलब वही बात है ना यार, लूंगा होंगे भाई, फिर पवन भाई ने भाई ऐसा कर दिया भाई, क्यों पीड़ा करो मेरे तक, क्यों डटा करो, मेरा तो ऐसा ही है भाई, मैं जहाँ मर्जी शुरू हो जाया करूँ, फिर कैमरा खोले खड़ा हो जाऊंगा, वीडियो बनाऊंगा सारे, फिर लोगों पवन भाई ने वीडियो बना ली भाई सिस्टम है ना, अच्छा फिर उन्होंने हमारी वीडियो बना ली भाई, मत करा करो ऐसे ना, अच्छा नहीं लगता। पर आज के टाइम पे चाचा एक चीज़ है, अगर कोई भी इंसान किसी दूसरे इंसान के पास जा रहा है ना, तो सिर्फ मतलब के लिए जा रहा है, वो ये चीज़ फैक्ट है, बिना मतलब के लिए आज के टाइम पे कोई किसी को याद नहीं करता है ना, होता है कैसे कि मैंने बहुत से ऐसे एग्जांपल देख लिए, लाइव एग्जांपल कि ना, अगर कोई दुनिया आपसे आपके पास आ रही है ना, तो सिर्फ मतलब के लिए उसको, आप जब तक आप वो जब तक आपको पूछेगा, जब तक आपके लिए मतलब कुछ करेगा, जब तक उसको काम होगा आपसे, उसके बाद वो नहीं पूछेगा बिल्कुल भी, खैर मतलब ही दुनिया ये चीज़ तो चलती रहती है। बट ये ना थॉट एकदम से आ गया मेरे मन में, मैं काफ़ी दिन से सोच रहा था कि शेयर करो, क्योंकि इस चीज़ को बहुत जने अच्छे भी ले जाएंगे और बहुत जने बुरे भी ले जाएंगे शायद। हाँ वो तो है ना, खैर कोई नहीं भाई मेरे मन में, ये तो मतलब भी लोगों के लिए है भाई, सबके लिए नहीं है ये तो, मेरे मतलब के लिए, क्योंकि ना काफ़ी एक भाई सिद्धू भाई ने एक ना एक लाइन कही है कि फायदे फूदे के लिए फॉलो कर गए थे और फिर अनफॉलो कर दिया, एक गाना है भाई का, तो वो गाना बिल्कुल सही है, बिल्कुल राइट है, क्योंकि ना इंसान फायदे के लिए ही आपके पास आएगा, फॉलो करेगा आपको, उसके बाद जयराम जी की, खैर कोई बात नहीं, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस चीज़ से, हम वन मैन आर्मी है ठीक है, खुद के स्टैंड पे है भाई जो कुछ है, और आप लोगों की वजह से हूँ जो कुछ हूँ, क्योंकि आप लोगों ने इतना प्यार किया,
इतना प्यार दिखाया, इतना प्यार दिया और आगे भी ऐसे करोगे। थैंक यू सो मच माई इंस्टाग्राम फैमिली, थैंक यू सो मच माई यूट्यूब फैमिली। भाई जिन भाइयों का भाई चलान कटता है ना, तो भाई ये वीडियो दिखा देना। आगे वाले बंदे ने भाई लगा रखा हेलमेट और पीछे वाले ने लगा रखा ऑन रोड चल रहे हैं, और अभी अभी पीछे इन्होंने सिग्नल ही ब्रेक करा भाई इन्होंने, मतलब दूसरों का चलान काटने के लिए तैयार रहते हैं हमेशा। और बाइक का नंबर भी नोट कर लो भाई, कैमरे में जस्टिफाई हो रहा होगा आप लोगों को, ठीक है भाई। एक्शन लेना पूरा पूरा। अब वीडियो दिखा देना भाई ये वाली, इन्होंने सिग्नल ही ब्रेक करा और दूसरा हेलमेट भी लगा रखा भाई पीछे वाले बंदे ने। देखो लो जी भाई कैसा लग रहा, लुक कड़ा लग रहा है। अरे कुछ ना पहना यार, टी शर्ट और लोअर टी शर्ट मंगी है भाई। देखो तो भाई अभी ना कुछ एक ट्रेजेडी हो गई है और बहुत बेकार ही हो गई है, मतलब वो चीज़ मैं डिस्कस करूंगा आपसे थोड़ी देर में, बस थोड़ी देर में। एक बार मुझे पंकज के पास जाना पड़ेगा, उसके लिए हिंट दे देता हूँ। वैसे थंबनेल देख के आपको पता लग गया होगा कि वो ट्रेजेडी क्या है क्या नहीं है। भाई अपने चीते का मतलब पंकज का भाई अकाउंट हैक कर लिया भाई किसी ने, फेसबुक का भी और इंस्टाग्राम का भी। तो भाई एक बार वो कह रहा था भाई एक बार आओ कुछ बात बात करनी है, क्या है क्या नहीं है। और ये पक्का भाई अपने हेटर से काम है, क्योंकि मेरी पूरी टीम इसमें चाहे आरिफ हुआ चाहे तरुण चाहे कोई भी हुआ भाई, सबके साथ ही ये सीन हो रहा है। सबके साथ ही मतलब फेक आईडी से मैसेजेस आ रहे हैं, कभी कुछ आ रहा है कभी कुछ आ रहा है। तो भाई अभी रेडी हुआ, मतलब सो गया था मैं आके, सो के अभी उठा हूँ नहाया हूँ रेडी हो गया हूँ, और अब चलते हैं फटाफट से एक बार पंकज के पास, देखे भाई क्या सीन है। ये चप्पल किसकी है, किसकी है ये, छोरिया की चप्पल पहन रहा है देख। अच्छा अच्छा जा रहा हूँ मैं, वहाँ जा रहा हूँ ठीक है। तो भाई रोज गाड़ी यहाँ खड़ी होया करती, आज खड़ी है भाई। वाह देख ला भाई, ला भाई भाई आज यहाँ खड़ी है, रोज उस सड़क खड़ी होया करती वहाँ पर, आज यहाँ करती थी भाई। क्यों पता है रीज़न क्या था? रीज़न यो था भाई, पहले अंदर चला है। रीज़न यो था भाई, जब हम यहाँ पर आए थे तो उस टाइम पर मम्मी जो है काम कर रही थी भाई, झाड़ू मार रही थी वहाँ पे, जाम गाड़ी खड़ी करते हैं। तो मम्मी ने कहा यहाँ पर लगा दे, फिर आ गया भाई बस हो गया, फिर हम भूल गया। तो भाई चला जरा पंकज थोड़ा देखा भाई कहाँ सिस्टम है कहाँ ना आई, के चल रहा भाई है, के चल रहा भाई हमारे बाल का गेल। तो भाई एक बार कंफर्मेशन कर लूँ जरा, घर पे है भी कि ना भाई? हेलो घर पे ही है, के कर रहा है, के तेरे मुँह में ऐसा हूँ कर रहा है? अच्छा अच्छा चल ठीक है, आ रहा हूँ मैं। आ रहा कटारिया, शर्म नहीं आती रो छोटे बोलते हुए है? अरे चाचा बाहर ठीक है भाई, इसको मैंने बोला कि भाई मेरे पास आ जा, भाई नहीं आया, झूठ बोल रहा। कह रहा भाई उत्तम नगर जाऊंगा, किसकी लड़की क्या हो रही है भाई, इतना बड़ा झूठा तू यार कसम से कटारिया। ला भाई एक चीज दिखा दे भाई, कैडी चीज आज दिखा दे, कैडी चीज दिखा दे। ला भाई हटा दे भाई, इधर इस पता है, हटा इस पता है। ओ एक मिनट यू क्या है, अरे स्केट्स कहाँ से आई है, कहाँ से आई स्केट्स ये? ला भाई यार तेरी क्या, कितने महीने हो गए खड़े हुए इसने, इसको तो एक महीने से दो महीने, तीन महीने से ऊपर हो गया चाचा, तीन महीने से ऊपर। भाई क्या हो रहा देख रहा बाइक का, कति थोड़ा धार कति मिट्टी में है, क्या कर रहा तू यो है? अच्छा अनबॉक्सिंग कर रहा है गेट की। ला भाई कैटारिया देख क्या कर रहा है, एक चमगादड़ एक चमगादड़ है, तू मरवाएगा तेरी चाची पीटेगी। क्या हो गया? अच्छा चादर इसने फेंकी, चाचा मैंने फेंकी, इसने फेंकी है, इसको बोलो ला भाई ये बार लाइट जला दे। ला भाई देख लो भाई, पूछा करो ना भाई कमेंट कर करके, बाइक कहाँ है, बाइक कहाँ स्टार्ट हो जाओगी वो करा स्टार्ट भाई। वाह एक साल में स्टार्ट कटारिया देख ले, कब इसको ले गया था? चल सही है ले गया था, तो भाई लग तो रही नहीं इसकी हालत, तू ले गया था इसे, वही कह रहा हूँ ना, ले जाएगा अगर ले जानी हो तो, है ना चाचा, चल भी जाएगा रही आज काट लेने बाद। ला भाई तो गाइस चलते हैं। तो भाई आज जो है मतलब कंफर्म 3 महीने बाद गाड़ी है भाई, बाइक चला गया ना कैडी पी लाऊंगी इसमें, चलो चले सुना दे रहा है शोर कितना हो रहा है, ₹20।
और आप लोग सोच क्या कर रहा है ये भाई कटा रहे थे भाई, कॉफी का पाउच टांग रहा भाई गले में, ले भाई चलो भाई। तो सीन ये था भाई कि हम बाइक पे क्यों आए भाई, घर के बाहर लग रहा है यहाँ पे बाजार, ये देखो यहाँ पे गाड़ी लगाना कोई मतलब नहीं था, इसलिए प्लान चेंज कर दिया और ये मेरे को अचानक से वहीं मिल गया झूठा इंसान कटारिया। तगड़ा सीन हो गया गाइस, मैं बहुत टेंशन में हूं, अपने भाई चीते की बाइक और ये पापा की बाइक का भाई गंदी हो रहा है, क्या खड़ी चलाई था ना मम्मी, आवाज भी आ गई मम्मी को, क्या कर दिया खड़ी छाट रही भाई भाई। हाँ भाई क्या ट्रेजेडी होगी तेरी गिल है, लाइट जला पहले यार गर्मी लग रही है, दोनों आओ इधर जल्दी इधर आओ इधर जल्दी जल्दी करो भाई, वो देख हमारे घर में भाई केक अच्छे बनियान सूख रहे, देख लो भाई आ रहा है केक के बार चार रखा भाई हमारे घर का, क्या कर रखा मम्मी, अरे बस के कर रखा है दिमाग पत्र के हो गया भाई, ये हो रहा है ये चांदी का ये पड़ा इसका, ये पता ना तेरा अंकल लेके गए थे इसने हाथ पकड़ के दुकान पे, और पता ना मैं तो सब्जी ले रही थी, मेरे पीछे था मम्मी मम्मी करने लगी, मेरे बच्चे खेल रहे थे फुटबॉल उनके साथ खेलने के लिए वो करने लगी, अब इसका हाथ पड़ा चांदी का, अभी अभी किया था मैंने भाई, मारे वहाँ घर के वाला ना भाई पैदा होते रही सोचा है इतना पैसा दिख जाए भाई, मारता आज तक एक चीज ना दी भाई हमारी वहाँ। तो गाइस मैंने जैसे कि आप लोगों को बताया था, वैसे तो अंदर देख के आप लोगों को पता लग गया होगा कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, तो जितने भी मेरे साथ के हैं मेरे भाई पंकज तरुण कटारिया मतलब, और ये मेरे साथ के भाई सबके ही अकाउंट में फेक आई डी से मैसेज कर रहे हैं, सब मैसेज कर रहे हैं, और भाई पंकज का अकाउंट तो है क्योंकि दिखा क्या क्या एरर आ रहा है, एक बार एरर दिखा दिखा, तो भाई ये एरर आ रहा है देखो दिख रहा है, कैमरा में जस्टिफाई हो रहा है, बैक कैमरा करवा है, तो कुछ एरर है इसमें जो आया है पंकज यू डिसएग्रीड विद द डिसीजन, के ऐसा कर रहे हो के आया है जो पहले जो पहले आया था रिकॉर्ड, ये दूसरी आईडी है, तो दिस अकाउंट विज बी डिसेबल इन 180 डेज, तो भाई ये दूसरी वाली जो दूसरा अकाउंट है पंकज का, दो पेज है ना तेरे, दो है ना, एक तो ये वाला हो गया मेन ये वाला था, दूसरे वाला था ये दूसरे वाला है, मेन वाला तो कोई नहीं रहा, जैसे इसको अब ये तो चले 180 दिन बाद हो जाएगा, हाँ ये तो रिकवर हो जाएगा, ये जो मेरी मेन आईडी है ना ये कोई नहीं रहा, क्या एरर आ रहा है अनएक्सपेक्टेड एरर प्लीज ट्राई टू लॉग इन अगेन, वो स्क्रीनशॉट दिखा जो तुमने मेरे को भेजा था, जो तुमने मेरे को भेजा था ना वो स्क्रीनशॉट दिखाओ, क्या क्या एरर आ रहा है, वो जो देखो भाई कटा जाके कर रहा है चमगादड़, ये आया था क्या उसके बाद आईडी परमानेंट लोग, अच्छा यही आया था पहले पंकज जो डिस, हाँ ये तो गाइस ये पहले मेरे को भेजा था पंकज ने कि भाई ये कुछ एरर आ रहा है इसमें मेरे को बताओ क्या है क्या नहीं है, तो मैंने उसको बोला कि रिकॉर्ड कर ले अपनी वीडियो शायद रिकवर हो जाएगा, पर नहीं हुआ ना रिकॉर्ड, हो ही नहीं रही, इससे आगे नहीं जा रही वीडियो, अच्छा तो भाई ये था टू मेक श्योर यू आर रियल पर्सन वी नीड टू रिकॉर्ड योर वीडियो सेल्फी, मतलब इसमें ये कह रहा है कि अगर आप रियल पर्सन हो तो अपनी रिकॉर्ड करके भेजो एक वीडियो है ना, और उसमें अगर आप रियल पर्सन हो तो हम अकाउंट को आपके रिकवर कर देंगे, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं है ना, 12 साल पुराना अकाउंट है, जो भी कर रहे हैं ना ये सब भाई बहुत गलत है, बहुत गलत है क्योंकि एक एक फॉलोवर एक एक सब्सक्राइबर भाई बहुत मुश्किल से कमाया जाता है, और 12 साल पुराना अकाउंट था भाई पंकज का, जो भी कर रहा भाई बहुत गलत बात है, बिल्कुल गलत, बहुत गलत बात है, मतलब खुद मेहनत करना सीखो यार, किसी की तरक्की से किसी की चढ़ाई से मत छिड़ो, बिल्कुल मत छिड़ो, ये चीज़ मैंने कल वाले ब्लॉग में बोली थी, और कल वाले ब्लॉग में बोलने के बाद ही आज ये चीज़ होगी है ना, कल कटा दी तब हमने बोल रहे थे उसमें ब्लॉग में, हाँ और ये अकेले इसके साथ नहीं हुआ है पंकज के साथ ही, मेरे टारगेट तो उनको पता किसको करना था किसको नहीं, पर वो कर नहीं पाएंगे, जितना मर्जी ट्राई कर लो नहीं कर पाएंगे हर चीज़ में ना, वो कितना ही वो कर लें कर नहीं पाएंगे वो चीज़, तो इसीलिए वो टारगेट कर रहे हैं मेरे साथ के बंदों को, गलत है यार ये चीज़ बहुत गलत है, और अगर बात जो भी करनी है ना भाई आमने सामने आगे करो, ये अकाउंट हैक करना, अकाउंट नया बन जाएगा क्या होगा बताओ क्या होगा उससे, अगले की मेहनत अगले का जितना डाटा था जितना जितनी पुरानी फोटो थी सारी सब कुछ खराब कर दिया, और ये चीज़ तरुण के साथ कटारे के साथ भी यही हुई, अभी हुआ थोड़ी देर पहले ठीक है, आरिफ के साथ भी यही हो रहा है, बबलू के साथ वो सिद्धार्थ के साथ भी यही हो रहा है, कार्तिक के साथ भी यही हो रहा है, फेक आई डी बना के तुम मैसेज कर रहे हो सामने आपने सामने आगे बात कर लो, कोई भी दिक्कत कोई परेशानी भाई हम वीडियो बनाते हैं अपने लिए बनाते हैं, तुम्हें देखनी हो नहीं देखनी हो उससे मेरे को जिस चीज़ से फर्क नहीं पड़ता, मत देखो भाई नहीं पसंद है मत देखो पर मत करो भाई, बिल्कुल गलत बात है बहुत गलत बात है ये, हाँ पता हमने प्रोफेशनल अकाउंट करा था, हाँ पहले हमने जब प्रोफेशनल अकाउंट नहीं कर रखा था तो हमारा प्राइवेट अकाउंट था, हाँ। तो कोई हमारी प्राइवेसी छेड़ नहीं सकता था, प्रोफेशनल अकाउंट करने के बाद में कोई भी हमारी सारी डिटेल छेड़ सकता और कुछ भी कर सकता था, तो इसलिए यही दिक्कत हुई, अब
इसने भी प्रोफेशनल अकाउंट करा था, तरुण ने, मैंने भी करा था। तो मैंने करा था तो तुम जो मेंशन हम जो फेसबुक पर मेंशन करने लगे थे ना, तो उस चक्कर में सबको मेरा फेसबुक अकाउंट पता लग गया था। किसी को मेरा फेसबुक अकाउंट नहीं पता था उस टाइम, मुझे इंस्टाग्राम पता था। तो मेरा फेसबुक और इंस्टा था साथ में जॉइंट में। तो जब मेरा वो वाला क्या नाम है, मेरा फेसबुक अकाउंट जब है वो ना, उसके साथ साथ मेरा इंस्टाग्राम भी गया। और तरुण जब मेरा हुआ था, तरुण का फोन आया था मेरे पास। तो मैंने तरुण से बोला, मैंने कहा तू अपना पहला प्रोफेशनल अकाउंट हटा के प्राइवेट कर दे। दो रिक्वेस्ट आई, इतने मैंने पासवर्ड चेंज कर दिया, इसलिए मैं बच गया। ठीक है, इसको मैंने बोला, मैंने भाई तू वो कर दे तो वो चीज हो गई। तो इसका अकाउंट बच गया। एक चीज बताओ ना, मेरा अकाउंट आज से 2 साल से प्रोफेशनल अकाउंट बन गया, 2 साल से भी ज्यादा हो गए, और मेरे अकाउंट से छेड़छाड़ नहीं हुई, तुम्हारे अकाउंट से क्यों छेड़छाड़ हुई? इंस्टाग्राम का पासवर्ड, मेरा फेसबुक कभी प्रोफेशनल है तो मेरे उसमें दिक्कत नहीं है, पर तुम्हारे उसमें दिक्कत। पता है बात क्या है, मैं बताता हूँ बात क्या है। मेरे अकाउंट से छेड़छाड़ हुई है, मेरे अकाउंट से भी हुई है, पर मैंने रिकवर कर लिया बहुत जल्दी। ठीक है, टारगेट मैं था, मेरे से मेरे अकाउंट से छेड़छाड़ नहीं हुई, तो मेरे साथ के बंदों को, मेरे भाई को, सारे मेरे भाई हैं, इनको टारगेट किया जा रहा है, जो कि बहुत गलत है, बहुत गलत है। ठीक है, कुछ नहीं हुआ, क्या होगा, एक नया अकाउंट बन जाएगा, नया अकाउंट बन जाएगा। क्या कितने अकाउंट हैक करोगे ये बताओ, कितना क्या करोगे? उसके बाद में जब मेरे पास मेल भी आई है, तो मैंने ऑनलाइन साइबर सेल में तो डाल दी है, बस तो साइबर सेल में डाल दी मैंने, ये मेरे को आ गई थी, रिक्वेस्ट आ गई थी। पहले मेरे पास मेल आई है कि आपके अकाउंट में ऐसे ऐसे कंफर्मेशन का, ये वो इन्फॉर्मेशन, ये इन्फॉर्मेशन आई पहले मेरे पास, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट योर अकाउंट है, पंकज योर अकाउंट विल बी सस्पेंड सून, आई पंकज Your account will be suspended soon because it does not follow your community standard and account integrity and authority. Once you have, अच्छा तो 180 days वाला है, तो उसकी मेल आई है भाई, 180 days वाला जो है ना, ये उसकी मेल आई है, मैंने डाल दी है साइबर सेल पे उस अकाउंट के लिए, परमानेंटली सस्पेंड के लिए। अच्छा, वो मेल आई वो डिलीट हो गई, मेल भी डिलीट हो गई। हां, उन्होंने मेरे को बोला पहले अपडेट अपना नंबर करो, देखो ये रहा कीप नंबर अपडेट नंबर, ये उसी की मेल है। मैंने इसमें मेल, इसमें अपडेट करा नंबर अपना, बस समझ गया मैं क्या हुआ है, मैं समझ गया, इसने, इसके पास मेल आई। मम्मी पता क्या हुआ है, मैं बताता हूँ, इसके पास फेक मेल आई, इसने नंबर अपडेट कर दिया, उसमें नंबर से अकाउंट उड़ा दिया। इस पे मेल आई थी, मैंने फेसबुक ऑन करा था, क्योंकि मैं उसमें स्टोरी, अपनी स्टोरी देख रहा था, फेसबुक ऑन करा, स्टोरी ओपन कर रहा था, मैं स्टोरी ओपन की बजाय अपने आप फेसबुक को एक बार ओपन करके दिखा अपना, वो मेरा अकाउंट है ना, सूजा कटा दिया इसका अकाउंट, ओपन करके दिखा अपने फोन में, दिखा तो सही, वो दिखाना, ओपन कर दिखाई मेरे फोन में होगा, मेरे दूसरे फोन में होगा, मैं खोल के दिखाता हूँ भाई क्या हुआ है। क्योंकि जब तो इसमें तो फिर भी फॉलो आपको दिख रहा है, एक मिनट दिख रहा है, अरे बैटरी ज्यादा हो गई, एक मिनट, इसमें अब इतना तो दिख रहा है, उतना भी नहीं दिख रहा। तो भाई ये दिख रहा है आपको, अभी भी नहीं दिख रहा, कैमरे में जस्टिफाई हो रहा है, हाँ हो रहा है, हो रहा हो रहा हो रहा है, रुचा। तो इसमें तो फॉलोवर वगैरह फिर भी शो हो रहे हैं, पर मैं अगर अपने फ़ोन में खोल रहा हूँ ना, तो उसमें यूज़र नॉट फाउंड आ रहा है। यूज़र नॉट फाउंड का मतलब होता है या तो जब आप किसी को ब्लॉक करते हो तब आता है, या फिर जब अकाउंट वगैरह हैक हो जाता है तब होता है ये सीन। भाई ये देखो इंस्टाग्राम यूज़र लिखा हुआ आ रहा है दूसरे वाले फोन में, इंस्टाग्राम यूज़र, ये रहा भाई, मेरे ब्लैक आ रहा, ब्लैक आउट है ना, ब्लैक आउट, बिल्कुल ब्लैक, ये देखो। चल ठीक है फिर, ठीक है, चला कटारिया, चलो बाइक चला जा, जल्दी आ।